हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से न्यू बोल को। सो गाइस 7 तारीख गाइस 5 और गाइस बज रहे हैं गाइस 11:30 बज रहे हैं, मतलब 11:44 हो रहा है, मतलब 44 मिनट हो रहे हैं। और अभी मैं इस रूम में हूँ गाइस। मैं अभी गया था खेत, गया था उधर पे गाइस खतौरा लेके गया, फिर वहीं से ही खतौरा छींटने में 1 आध घंटा वहाँ पर बैठा रहा। इतनी गर्मी थी क्या बताऊँ गाइस, अगर मोबाइल में आपको दिखाता आप क्या बोलते। फिर वहाँ से आया, फिर मैंने भी खाया। अरे गाइस बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ख़तरनाक लगा गाइस मेरे को। गाइस खेती करना इतना आसान नहीं है। तो अभी मैं नहा महा के सब कुछ करके रह चुका हूँ। अब मेरे को खाना है। पापा जी भी आने ही वाले हैं, अब मेरे को पता नहीं, अभी मैं फ़ोन लगा पूछूँगा कहाँ आ गए। तो वो भी आने ही वाले हैं, वो आ रहे हैं जीप से गाइस। हम वो 12 बजे तक आ जाएंगे और यहाँ से मैं 1 या 2 3 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। 6-7 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे घर पे। फिर आपको घर का माहौल दिखाता हूँ रखा, और मैं पूरा ब्लॉक में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। रास्तों का इसमें बहुत सारा सामान रख लूँगा, ऐसे बिस्किट मिस्किट कुरकुरे मुरकुरे खाते जाने का के लिए। गाइस उस दिन ट्रेन में गाइस मैंने कुछ नहीं लिया था, गाइस बहुत बेकार सीन हो गया था मेरे साथ। और मैं बहुत कुछ ले लेता था गाइस खाते खाते आता जाता। तो उस दिन मेरे को पता नहीं था कि ऐसा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन में बैठा था, इसलिए मेरे को इतना सब कुछ नहीं पता था। अब लेकिन गाइस अब पता चल गया है अब तो। और गाइस हमें बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन ये घर वाले कपड़ा पहने, पापा जी आ जाएंगे उसके बाद मैं नए वाले कपड़ा पहन लूँगा और अच्छे से रेडी हो जाऊँगा। और अभी मैं खीर मीट सब कुछ बना है ऑल्ट आइटम। तो गाइस नहीं, ऑल आइटम नहीं बने गाइस, ऑल आइटम नहीं, मतलब खीर मीर सब्जी रोटी पूड़ी मुड़ी और बाकी ये वाला सामान मिले तेल ताई के। तो गाइस मैं खीर मीर ऐसी कुछ खा लूँगा और क्या है। सो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं तो वहाँ पर खेत में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और बहुत ख़तरनाक। लेकिन गाइस हम यहाँ पर वो मंदिर जाता था ना गाइस, उधर पर एक गाड़ी खड़ी थी गाइस, उसके हमने बहुत मजे लिए। उसमें गाइस कैसा पागल आदमी था, उसमें चाबी भी छोड़ गया। अच्छा भी ना होती हम डायरेक्ट कर लेते उसको, लेकिन गाइस वो चाबी छोड़ गया। फिर वो सामने चाबी घुमाई और गाड़ी को स्टार्ट किया और खूब भगाई है उसका। हाँ तो गाइस मैं गाड़ी तो चला लेता हूँ बहुत अच्छे से, मोटरसाइकिल और जीप भी चला लेता हूँ और ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, ये चीज़ें बन जाती मेरे से, और कुछ नहीं बनता। साइकिल भी चला लेता हूँ, मोटरसाइकिल भी, जीप भी, ट्रैक्टर भी, और उसके अलावा और गाइस यही तो सारे बहाने, और किसी इसके अलावा बहाने ही नहीं कुछ। तो ये सब मैं चला लेता हूँ गाइस। तो उसके जो मोटरसाइकिल गाइस हमने बहुत मजे लिए। तो गाइस आदमी ने हमने सोचा किसी आदमी ने देख लिया, लेकिन हम किसी ने नहीं देखा। मैंने पूरी फुल स्पीड रेस जाते गाइस, वो ऐसे बोल रहा हाँ हाँ, गियर नहीं डाला था उसके पहले, हाँ हाँ बोल रही थी। और गाइस हमने गियर डाला, खूब भगाई मैंने पहली गियर में, इतनी भगाई क्या बात है गाइस। और दूसरा गियर डाली खट से, और गाइस फिर मैंने इतनी तेज ब्रेक मारा गाइस वहाँ तक, यहाँ से तक वहाँ तक सर चल गए। और जहाँ से खड़ी थी वहाँ से हमने खड़ी कर दी, कोई समझ ही नहीं पाया। और एक आदमी था ऐसे, वो रोज़ आता है गाइस, मेरे को पता नहीं था गाइस रोज़ आता, नहीं तो मैं गाइस रोज़ चला नहीं जाता मोटरसाइकिल, मेरे को बहुत मज़ा आता है मोटरसाइकिल। तो गाइस अभी है बहुत मज़ा आता है, लेकिन गाइस बाद में जब अपन को सब कुछ चलाने आने लगता है तो गाइस अपन खुद चिढ़ होने लगती है कि मैं क्यों चला रहा हूँ। अपन को जो आदमी अपन चलवाता है उसी पर गुस्सा आने लगती है। ऐसे हमारे पापा जी हैं तो उनको बहुत शौक था पहले गाड़ी चलाने का, लेकिन अब वो सब कुछ चला लेते हैं, ट्रक डंपर जो चीज़ उनसे चलवाना हो वो चला लेते हैं बहुत अच्छे से, और खूब स्पीड में भगाते हैं और सवारी भी लेते हैं गाड़ी माड़ी को। तो वो उनको भी ऐसे ही रहा, पहले उनको बहुत शौक था लेकिन अब इतना शौक नहीं है, अब उनको सब कुछ चलाना आता है। अब वो इतने शौक नहीं रखते, अब तो वो सोचते हैं कि कोई चलाने देता है तो उसको इतनी चिढ़ होती है, उनको इतनी चिढ़ होती है क्या बताऊँ। ऐसे गाइस अभी हमारे बहुत ज़्यादा शौक है, फिर बाद में देखते हैं गाइस ख़त्म हो जाएंगे हमारे शौक भी, फिर हम भी हो जाएंगे गाइस बड़े। अभी तो गाइस 15 या 14 साल का होऊंगा, हाँ 14 साल को घर के बोलते हैं 16 साल के, लेकिन गाइस इतना नहीं हो सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 14 साल का हो सकता हूँ, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं आपको सारी फीलिंग बता दी, मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़ मेरे बारे में। और गाइस मैं आपको यहाँ से जाऊँगा सारी चीज़ें बताऊँगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कर देना, हो सके गाइस शेयर कर देना। सो गाइस आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं खाना वाना खा लूँ। सो गाइस आपको मिलता हूँ
ब्लॉक में गाइस बहुत ज़्यादा हो जाता है लेट और सब कुछ। सो गाइस आप फोन तो थोड़ी देर बाद। तो गाइस हमारे पापा जी तो आ चुके हैं और अभी गाइस मैंने भी अभी खाना खा लिया कटिया करके आया। तो गाइस यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है मेरे को और बहुत सब कुछ बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है मेरे को। यहाँ पर आता हूँ और काम पे काम काम पे काम। तो वर्क कहीं जाता हूँ गाइस वहाँ पर काम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आता हूँ गाइस काम तो ख़त्म ही नहीं होने दिन भर। तो यहाँ पर अभी कटिया करके आया, मैंने खाना तक नहीं खाने दिया, लेकिन यहाँ खीर बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सपा निर्वक दूध की थी, बिल्कुल सपा निर्वक दूध ही दूध के अलावा और कुछ नहीं था उसमें। तो गाइस गाय है तो कुछ तो गाइस उसका इतना कर भी तो रहे हैं इतने हम पता बहुत दूर से लेके आए चारा बहुत दूर से, और इतना इधर आने के बाद कटिया किया मौसी लेके आए, मौसी ने काटा और वो वहाँ से लेके आई। हम खतौरा लेके यहाँ से गए थे, मौसी खतौरा लेके गई थी, लेकिन मौसी वहाँ पर चारा काटने लगी और हम घर पे आ गए बहुत देर में घर पे आए थे। और अब मैंने खाना भी खा लिया गाइस सब और क्या और दुकान पे सब कुछ लेके और फिर खाते खाते जाएंगे, थोड़ा बहुत लेंगे इतना गाइस, नहीं तो बीमार बीमार हो जाए या कहो तो बुखार बुखार चढ़ जाए तो वैसे ही फालतू का ब्रेक हो जाए, मेरा ब्लॉग भी ना बने। तो गाइस आज आपको दिखाता हूँ पूरे रास्ते, मेरे को अब ज़्यादा बड़ा ब्लॉक नहीं करना क्योंकि रास्ते बंद दिखाना पड़ता है। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस मैं इधर पे आया तो देखने गाड़ी कौन सी गाड़ी लेके पापा जी आए। सो गाइस ये वाली गाड़ी है वो, ये देख सकते हो आप, मैं पीछे से थोड़ी बहुत आपको दिखा देता हूँ। ये बगल से ऐसी गाड़ी है, कुछ अच्छी है, थोड़ी अच्छी ऊंची सी है, ये देख सकते हो। सो गाइस मैं आपको कॉल था थोड़ी देर बाद, मैं तो ऐसे ही आया था घूमने, मैंने कहा पहले गाड़ी मारी देख लेता हूँ कौन सी गाड़ी। सो गाइस मैं आपको बोलता हूँ गाइस अभी हम एक घंटा बाद जाने वाले हैं हमारे दर के फे, मतलब हम इधर से निकल जाएंगे एक घंटा बाद। सो गाइस ब्लॉक में बने रहना। सो गाइस आपको बोलता थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी मैं जा गाइस गाड़ी में बैठ गया, ये देख सकते हो आप गाड़ी में बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा बार उड़ रहा है मेरे कांच लगाने के बाद भी, कांच लगाने के बाद भी इसके बाद मेरे बार भी जल रहा है। अभी गाइस मैं चल रहा हूँ क्या, सो गाइस आपको बोलता हूँ थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता थोड़ा बहुत। सो गाइस मैं आपको बोलता हूँ कहीं और कहीं गई अच्छी सी जगह पर जहाँ पर अच्छे से। सो गाइस मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ से इधर को जाएंगे और इधर शायद तक हम चीज़ें उनके तरफ भी जा सकते हैं, बड़ी शायद गाइस। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी दीदी के दर पे और मैं जितना बताया ये देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल खतरनाक गाइस, मैं सब सब कहीं जंगल जैसा बोलता हूँ तो जंगली जैसा लगता है गाइस, जंगल जैसा बोल देता हूँ मैं हर जगह मैंने जैसे ही बोला है जंगल जैसा। और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पीछे आ चुका हूँ, जीजू उनके पीछे आ गए, मेरे को पता नहीं था कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। अभी हम जाने वाले हैं और क्या भाई, अभी गाइस मैं यहाँ पर आया था और मैंने जितनी भी गाइस आपको रास्ते दिखाई तो गाइस सारे ब्लॉगर इतनी रास्ते दिखाते हैं तो मैंने उतनी रास्ते दिखाई आपको और आराम आराम दिखाई है, तो आप देख लेना गाइस और ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी रास्ता में, मेरा ये वाला ब्लॉग भी अपलोड होने वाला है, यहाँ पर फुल टावर मिल रहा है तो मेरा पूरा नेट ख़त्म होने वाला है, तो ये वाला ब्लॉग में मैं कल अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सो गाइस मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, ब्लॉग पूरा देख के जाना। सो गाइस आपको बोलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी मैं उधर पे हूँ जीजू उनके दर पे और गाड़ी में बैठ चुका हूँ मैं, तो थोड़ी देर बाद मैं उधर पे जाने वाला हूँ अपने घर की तरफ, अब देखते हैं गाइस कहाँ कहाँ रुकते हैं। सो गाइस मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाना है इसलिए थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। सो गाइस अभी गाइस हमने रखता जी साहब यहाँ पर मंदिर भी आएंगे तो गाइस वहाँ पर या शायद तक रुक सकते हैं और फिर बाटल भी बनने नवदा जी में तो वो सब काज कर लेंगे। सो गाइस मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं
पहुँच चुका है नर्मदा जी, आप देख सको पूरा ही नर्मदा जी। मैं आपको बैक के कैमरे दिखाऊँ गाइस, यहाँ की सीढ़ी बहुत बेकार है। मेरे को पहले से आता था, बहुत पहले से, जब मिनिमम मैं 10 साल का होऊंगा या 9 साल का, तब से मेरे को ये सीढ़ी बहुत बेकार लगती है। मेरे को ऐसा लगता है इसमें गिर ना जाऊँ बहुत। मैं पहले भी आता था, मेरे को बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता गाइस। अब तो मैं सीट आ जाता हूँ मैं, लेकिन ऊपर चढ़ने में डर नहीं लगता था, लेकिन नीचे जब आता था ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत तेज़ी, बहुत ही ज़्यादा क्यों। और अब नहीं लगता है मेरे को यहाँ से सीढ़ी पे उतरने। ये देख सकते हो आप पुल खतरनाक, और ये देख सकते हो वो वाली सीढ़ी, बिल्कुल मैं ऐसी सीढ़ी गाइस, इतना डर लगता है नीचे ना गिर जाए, लेकिन गाइस अब नहीं लगता। पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं उतरता था ना पापा जी का हाथ पकड़ के उतर जाता था, तब जाके उतरता था, लेकिन मैं पहले ऐसे उतर नहीं पाता था। सो गाइस मैं आपको मिलता थोड़ी देर बाद, बोल रही नर्मदा जी, मैं आपको नर्मदा जी में पहुँच के मिलता हूँ। इसमें आ चुका हूँ नर्मदा जी, देख सकते हो नर्मदा जी रिंग राउंड यहाँ पर। तो गाइस आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ, खतरनाक नर्मदा जी, देख सकते हो ये पुल, ये मैं रिंग राउंड गाइस। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं गाइस, मैं आया हूँ यहाँ पर बॉटल भरने। अगर थोड़ा जल्दी आता तो मैं नहा भी लेता। सूरज देखो, ये देख सकते गाइस बहुत नी गहर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं गाइस इस पर डीबू पर खड़ा हो जाता हूँ जो भी बोल। सो गाइस मैं आपको तो थोड़ी देर बाद, अब आपको मैं दिखाऊंगा भगवान कौन कौन से वो वाले मंदिर में, वो देख सकते हो ये वाले मंदिर में, ये दोनों मंदिर में। सो गाइस आपको दिखाऊंगा, सो गाइस आपको तो थोड़ी देर बाद। कुछ ऐसी हैं सीढ़ी, मैं आपको जोर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि इसलिए मेरे को डर लगता है, बहुत ज़्यादा थक गया मैं भागते भागते आया इतनी दूर से। तो गाइस देख सकते हो ये ऐसी कुछ सीढ़ियाँ, ये देख सकते हो, इसलिए मेरे को डर लगता है यहाँ से, लेकिन अब नहीं लगता गाइस। पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं इस बगल में जाता था इधर से, आप देख सकते हो जूम बहुत था, आप देख सकते हो गाइस बहुत खतरनाक। सो गाइस आपको तो थोड़ी देर बाद ये वाले मंदिर भगवान दिखाता हूँ। सो गाइस आपको तो थोड़ी देर बाद, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मंदिर, ये मंदिर की सीढ़ी। तो गाइस ऐसा कुछ मंदिर है, आप देख सकते हो, देख सकते हो ये भगवान है, ये सारे भगवान। मैं बाहर जाके आपको वो सारे भगवान दिखाता हूँ, इधर पे हैं और भगवान, ये देख सकते हो ये, मैं बैक के कैमरे दिखाता हूँ इधर से अच्छे नहीं दिखा। सो गाइस ये हैं एक भगवान गणेश जी, और इनके बाद हैं ये राम सीता जी, हाँ जो भी बोलते हैं इनको, ये हमारे दादाजी, ये देख सकते हो आपको जोर से दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये, और ये दादाजी, ये राम, और ये कान्हा जी, और जो माँ। सो गाइस ऐसा कुछ मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर गाइस, मैं बहुत दिनों में आया हूँ यहाँ पर। तो गाइस आपको आंगन बार कैमरा ओपन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बाहर हूँ, और गाइस अब हम जाने वाले थोड़ी देर बाद घर, और मैं यहाँ पर बहुत दिन में आया हूँ इस वाले मंदिर पे, तो अभी मेरे को घर भी जाना है। सो गाइस मैं घर जाऊँगा, वो खड़ी हमारी गाड़ी, वो देख सकते हो, मतलब हमारी नहीं है, मतलब पापा जी लेके आए, जहाँ से भी लेके आए हैं, तो मेरे को पता नहीं है। मैं यहाँ पर खड़े होकर ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। और गाइस मैंने आपको सारा मंदिर दिखा दिया कैसा मंदिर है, मैं आपको बाहर से और दिखा देता हूँ कैसा मंदिर है, और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद पूरा मंदिर दिखाने के बाद। ये मंदिर का शेर, वो मंदिर का शेर, कुछ ऐसा मंदिर है अंदर से ऐसा दिखता है, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कैसा मंदिर दिखता है बाहर से। गाइस कुछ ऐसा दिखता है, ये देख सकते हो आप ये। सो गाइस आपको मतलब थोड़ी देर बाद, पहले फोटो शूट भी करना है टाइटल में डालने के लिए, इसलिए मैं आपको मतलब थोड़ी देर बाद। गाइस हालत तो बहुत बेकार हो गई, और गाइस हम आ चुके हैं गाइस हमारे घर के बरेली, और यहाँ से 3 किलोमीटर हमारे गाँव है। हम आपको पुल दिखाता हूँ, कौन सा पुल था जिसमें से हम गए थे, मैं आपको बैक के कैमरे दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये वाला पुल है, ये वाला लिख डाल दूंगा। सो गाइस आपको तो थोड़ी देर बाद ये हमारा चुका है, पूरा चुका है। गाइस हम हमारे वाले रास्ते पे आ चुके हैं, और गाइस आपको तो मैं घर जाने के बाद, और ये देख सकते हो हमारे वाले रास्ते पे आ चुके हैं। तो गाइस अब मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, गया था
वाली ब्लॉग की और इस वाले ब्लॉग और वाइज ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस आपको गार्डन दिखाते हैं। ये वाली गार्डन ज़्यादा बन गई है, मैंने आपको पहले दिखाई थी जब बन रही थी तब, और अब बहुत दिन बाद एक महीना बाद यहाँ पर लौटा हूँ और इसको तो बहुत बेकार हो गया ये वाला। सो गाइस आपको तो मैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ घर और अभी थोड़ी मान लो 10-20 मिनट हो चुके होंगे मैं घर आया तो और मैं इस बर्फ के सामने हूँ ये वाले और ऐसे और बहुत ज़्यादा मजा भी नहीं आएगा इसमें, सरमर दुखने लगा था वहाँ पर आते आते घर आते आते। और गाइस मैं आ चुका था, पापा जी गए अब गाड़ी खड़ी करने, जिस गाड़ी लेके आए थे उनकी गाड़ी खड़ी करने। और गाइस यहाँ का पहले मैं कुछ माहौल अभी कुछ नहीं पता, अब देखते हैं गाइस कल से हम बाहर निकलते नहीं निकलते वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। कल का ब्लॉग भी होने वाला बहुत ख़तरनाक ओपी वाला। तो गाइस भोपाल की हवा को खा ली, हमारे बनखेड़ी की हवा खा ली, अब गए खाई बहुत दिनों में गई गांव की हवा। तो गाइस बहुत ही शानदार थी गांव की हवा, तो गांव की हवा तो कुछ अलग ही थी। गाइस हम एक महीने से राजधानी में थे, हमारी राजधानी में थे और अब आ चुके हैं गाइस हम हमारे गाँव। सो गाइस और अभी गाइस शिवराज सिंह चौहान मतलब जो सब बोलते हैं उनको मामा जी जो वो अभी आए थे यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं उनसे ताऊ जी के दर पे, उनको तो वो उनको 2 महीने हो गए तब, तो वो क्या बोलते हैं तो वो शांत हो गए थे, 2 महीने हो गए थे ऐसे तब वो शांत हो गए थे। आज आए थे मामा जी बैठने के लिए, मान लो शिवराज सिंह चौहान आए थे आज बैठने, तो मैं सोचा कि आपको सब कुछ बता दूँ। सो गाइस आप घर आ चुका हूँ गाइस और आपको थोड़ी देर बाद मैं ब्लॉग और गाइस और गाइस अगर चैनल अपना सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर देना, हो सके तो गाइस शेयर कर देना। तब तक के लिए गाइस इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।